जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल आज झाबुआ पहुंचे। कलेक्टर सभा कक्ष में प्रभारी मंत्री ने विभागवार योजना की समीक्षा की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार झाबुआ पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने स्थानीय सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होकर सरकार की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने जल्द ही मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की जानकारी देते हुए कैबिनेट की बैठक झाबुआ में होने का दावा किया। बिल्कुल हमारा प्रयास है और पहले तो मुख्यमंत्री जल्दी अगले महीने में झाबुआ में आने वाले हैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस परिवार के लोगों से मिलने के लिए। और जब वो आएंगे तो जो समन्वय समिति हमारी झाबुआ जिले की है उनके साथ जब उनकी बैठक होगी तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द कैबिनेट की बैठक भी यहाँ पे हो। जिले के ग्रामीण इलाकों में अघोषित कटौती और अधिकारियों की ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर लापरवाही पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। प्रभारी मंत्री ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और जल्द ही बिजली व्यवस्था दुरुस्त किए जाने का दावा किया। अगर इस तरह की कुछ त्रुटियां हो रही हैं और इस तरह की जो शिकायत आपने मुझे बताई हम आप साथी लोगों ने, तो अभी बैठक है जिला योजना समिति की जी। इस विषय को हम लेंगे और गंभीर विषय है और उचित कार्रवाई। बिल्कुल इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। जनता को इस तरह से जो परेशानी उत्पन्न हुई है यहाँ पे, इस विषय को हम लोग अभी गंभीरता से लेते हुए इस पर निर्णय लेंगे कि आगे जनता को इस तरह की परेशानी नहीं। अब ये तो स्पष्ट निर्देश है शासन की कि कितने दिन के अंदर या कितने घंटे के अंदर उसमें ट्रांसफार्मर चेंज करना है। अगर इस तरह का नहीं हुआ है तो हम बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई हो रही सरकार।